शादी करने के एक हफ्ते बाद इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या ये भूत थी जो बाहर से ताला बंद करके अंदर गई थी मरने? लगेगा न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, बस इंसाफ चाहिए। जिस तरह उसने किया उसी तरह उसको भी होना चाहिए। काफी टाइम हुआ इसके ससुर आए अपने बेटे का कॉल हिस्ट्री लेके कि मेरे बेटे का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम रूपसपुर में पहुंची हुई हूं और यहां पर मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि कैसे यहां पर एक बेटी की लाश पड़ी हुई है और यहां पर पूरे ये जो जगह है इसे आगजनी, यहां पर टायर भी जलाए जा रहे हैं और पूरा बंद कर दिया गया है यह रास्ता। लोग ना आ सकते हैं और ना जा सकते हैं। पूरा मामला मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जो बेटी जो यहाँ पे जो पड़ी हुई है, ये जो लाश पड़ी हुई है, यह दिल्ली से आया है। जी हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, कोई भी पिता अपनी बेटी को अगर शादी कर रहा है तो वो पहले यह जांच ले कि हाँ बाहर में बच्चा काम कर रहा है तो क्या वाकई में वो काम कर रहा है, कैसा लड़का है, उसे देने के पहले। दिल्ली में शादी हुई है लड़की और माँ वाले जो मायके वाले हैं वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके हस्बैंड के द्वारा ही इस तरह से ये कर दिया गया है। पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा, इधर आके बोल दो, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पूरा कैसे यहाँ पे माहौल ये बना हुआ है, इधर आके बोलो। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है, मेरी बहन है, निशा रंजन नाम है। अंजलि हमें लगातार कांटेक्ट कर रही थी कल से ये, लेकिन दिल्ली में थी और आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मेरी बहन जो है ना, उसकी शादी हुई थी 16 फरवरी 2020 में। बहुत खुश थी, हम भी बहुत खुश थे कि एक पढ़ा लिखा परिवार है। इसका ससुर एक प्रोफेसर अभयानंद सुमन बीडी कॉलेज में पढ़ाता था, एक प्रोफेसर था और बीजेपी का पॉलिटिशियन भी था ये। इसकी ननद एक पीएचडी कर रखी पढ़ी लिखी लड़की। इसकी सास रेनू देवी यहाँ पाटलिपुत्र स्टेशन पे काम करती है, कैशियर है वो यहाँ पे। पूरा खानदान पढ़ा लिखा। मेरी बहन मास्टर्स कर रखी है, मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया था इसको। उसके बाद शादी कर दी इसकी। शादी करने के एक हफ्ते बाद इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। हमने पंचायत भी बैठाई थी, हम चुप नहीं थे, हमने पंचायत बैठाई थी बकायदा। उसने उसे पूरे पंचायत में खड़ा किया गया, पूरे पंचायत में इसको इस लड़की की बहुत बदनामी करी उस लड़के ने, पूरी पंचायत के सामने भी। उसके बाद पंचायत वालों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, पंचायत ने कॉम्प्रोमाइज करा दिया, बोला कोई बात नहीं, लड़का सुधर जाएगा, वो सब कुछ सही हो जाएगा। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, इज्जत पे मरते हैं। हमें लगा कि मेरी बहन खुश रहेगी। उसके बाद फिर काफी टाइम हुआ इसके ससुर आए अपने बेटे का कॉल हिस्ट्री लेके कि मेरे बेटे का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसका नाम था पॉलमी, यहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर में काम करती है, सेंट्रल बैंक के बगल में। हमने बोला अब हम क्या करें, हमारी तो बहन है ना, अब क्या करें, मेरी बहन को बताओ इसके बारे में। उसने कहा नहीं, निशा को मत बताओ इसके बारे में, वो छोड़ देगी हरीश रंजन को। मैंने बोला कि मेरी बहन को पता होना चाहिए उसका पति कहीं और मुंह मरवा रहा है। उसने बोला नहीं मत बताओ। हम फिर शांत हो गए, बोला हम पे भरोसा रखो, हम एक तुम्हारे पिता समान है, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के जैसा रखूंगा। तो ये तो यहीं रहती थी ना? हाँ, ससुराल विजयनगर, ससुराल में रहती थी। हाँ, वहाँ से हस्बैंड उसका वहीं रहता था। तो आप बोले कुछ काम करता था ना दिल्ली में? कुछ नहीं, जब शादी ठीक करा था हमने तब दो महीने तक उसने एक जॉब कराया उसके बाप ने उसको कहीं पे, और जैसे ही शादी, दहेज के लिए उसने जॉब करा, छोड़ा दिया। दहेज के लिए उसने जॉब कराया अपने बेटे को, और जैसे ही शादी हो गया दहेज दे दिया। जाने का क्या मतलब? इसको बुलाया, दिल्ली रहता था? नहीं, दिल्ली में नहीं रहता है। नहीं, मैं सच जानती हूँ, मेरी बहन है ना, मैं सच जानती हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं सुनो, नहीं जानती हूँ, मैं बताती हूँ।
मेरी बहन जो है अपने ससुराल में रह रही थी। ये बताइए कि दिल्ली में ये क्या करने गई थी? इसके हस्बैंड ने इसको बोला कि दिल्ली आ जाओ मेरे पास, हम साथ में कमाएंगे। और दिल्ली में हस्बैंड क्या करते थे? कुछ नहीं करता था, बस जाके बैठा था। उसका दो अपना फ्लैट है दिल्ली में। दिल्ली इसको ससुर छोड़ने गए, वहाँ पे उसको पीजी में रखा एक महीने तक। पीजी में रह के बोला अपना खेवा खर्चा उठाओ तुम, हम अभी कमाते नहीं है। उसके पास बहुत संपत्ति है फिर भी। उसके बाद मेरी बहन को शुक्रवार की शाम बुलाया एक फ्लैट पे, एक अनजान फ्लैट पे, बोला आओ हम इस फ्लैट पे साथ में रहेंगे। मेरी बहन गई, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया उसने कि देखो बहन हम यहाँ रहेंगे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आखिरकार 2.5 साल बाद ही सही सब ठीक होगा, एक उम्मीद था। उम्मीद के बाद मेरी बहन को ऐसे नेक्स्ट डे शनिवार को 8:40 पे मैंने उससे बात करी थी। मैं अपने ऑफिस से आई थी और मैंने उससे बात करा, मैंने बोला बहन खिचड़ी बनाई हूँ मैं, खा लेती हूँ और खा के तुमको फोन करती हूँ। मैंने वापस 10 बजे उसको कॉल किया, फोन उठा ही नहीं रही थी, फोन फुल रिंग हो रहा था। मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, कहाँ हो बहन, बहुत चिंता हो रही है, कहाँ हो कहाँ हो। 2-3 बार मैंने कॉल किया, उसने नहीं उठाया, मेरे को लगा सो गई होगी। नेक्स्ट डे सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, मेरी बहन का कोई फोन नहीं आ रहा, ना कोई फोन उठा रही है। मैंने अपने भाई को भेजा, छोटा भाई जाओ देख के आओ दीदी को क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही, उतना टाइम हो गया। जब उसको देखने गया तो ताला बंद था। नीचे उसका हस्बैंड हाफ पैंट और टी शर्ट में खड़ा होके सोसाइटी मेंबर से बात कर रहा था। मेरे भाई ने बोला जिया जी क्या हुआ, इतने देर से मैं फोन कर रहा हूँ, बहन को भी फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहे। फिर वो लेके ऊपर गया, मेरे भाई ऊपर लेके गया, बाहर से ताला बंद था। उसने ताला खोला, अंदर गैस की स्मेल आ रही थी। उसके बाद मेरे को भाई ने फ़ोन किया, बोला दीदी इधर तो मेरी बहन ना गैस खोल के बैठी हुई है। मैंने बोला बात कराओ उससे। जब वो बात कराने के लिए दूसरा दरवाज़ा खोलता है तो ऐसे फंदे पे लटकी हुई नज़र आती है वो, अगर बताओ पंखे में लटकी हुई। अगर कोई लड़की खुदकुशी करेगी तो या फिर जल के मरेगी या फांसी लगा के मरेगी। क्या ये भूत थी जो बाहर से ताला बंद करके अंदर गई थी मरने? कैसे मर गई अंदर वो? और गैस कैसे खुला था? उसको जलाने की प्लानिंग करी गई थी ना, मेरी बहन को पहले फांसी पर लटका दिया। चाकू कैसे लगे इसमें बताओ? चाकू कैसे लगा? कितना चाकू? फांसी। ये बताइए आप प्रशासन क्या कर रही है, क्या कर रहा है प्रशासन और ससुराल वाले? मैं मुझे बोलने दो। प्रशासन और ससुराल वाले क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? मैं गई थी, मैं बैंगलोर में रहती थी, मैं बैंगलोर से यहाँ आई, मैं गई रूपसपुर थाना में इसके लिए कंप्लेन लिखवाने कि इसका ससुर इसको यहाँ से लेके गया था। बाद में प्रशासन बोली मेरे को तुम्हारा परिवार ना प्रोफेसर सुमन सिंह के घर पे पथराव किया है। मैंने बोला नहीं, क्या बोली प्रशासन? प्रशासन बोला कि वो पॉलिटिशियन का बेटा है, हमें वक्त लगेगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमने नहीं। उसको पकड़ के छोड़ दिया, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा, फिर छोड़ दिया, रात भर पुलिस स्टेशन में रख के छोड़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन भी पहुँच चुकी है और लगातार वो इस भीड़ को हटने के लिए कह रही है। और यहाँ पर देखिए आखिर आप लोग मुझे ये बताइए कि आखिर यहाँ पर क्यों रखी? इंसाफ चाहिए, इंसाफ, बस इंसाफ चाहिए। जिस तरह उसने किया उसी तरह उसको भी होना चाहिए। कोई नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस लड़का को पकड़ के रखा, रात में दिल्ली था वो लड़का थाना में, उसके बाद उसको दिल्ली पुलिस ने उसको फायर कर दिया, फिर कैसे छोड़ दिया? दिल्ली पुलिस कैसे रूपसपुर थाना में आप लोग केस किए? नहीं लिया हम लोग, गए थे नहीं लिया हम लोग, बैठे बैठे सुबह से चले 4 बजे तक 7-8 बजे नहीं आए हम लोग, लेडीज होकर गए थे। अब कैसे पुलिस आया उस टाइम? नहीं लिया हम लोग का केस, अभी नहीं लिया थाना के, अभी पेपर में फोटो होगा हम लोगों का, हम लोगों का फोटो है पेपर में, नहीं लिया हम लोग। सुना
कि किस तरह से यहाँ पे जो जो लड़की है जो यहाँ पे शव पड़ा हुआ है उनके परिजन रूपसपुर थाना भी पहुँचे और रूपसपुर थाना इनका केस नहीं लिया गया था। और इन लोगों का लगातार मांग है कि जो आरोपित हैं जो इनके पति हैं ससुर हैं उन्हें पकड़ा जाए, पकड़ के पूछताछ किया जाए। आखिर एक लड़की फांसी के फंदे पर कैसे लटक जाती है और बाहर से ताला कैसे बंद है, यह बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर एक लड़की को बाहर से बंद कर दिया गया है और फांसी के फंदे पर लटकी हुई निकलती है, पूरा रास्ता ये जाम है। तो आपने देखा कि पूरा माहौल किस तरह से हो गया है, काफी मशक्कत पुलिस को करना पड़ा यहाँ से उन लोगों को समझाकर हटाने के लिए। महिला प्रशासन भी यहाँ पहुंची और अभी भी देखिए किस तरह से यहाँ से रोड से इन लोगों को हटाया गया है और इन लोगों को समझाया गया है कि जो भी इंसाफ होगा जरूर ही होगा, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, आखिर जो मुजरिम होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। दोनों तरफ का रास्ता और आगजनी ये जो हुई थी यहाँ पे आपने देखा किस तरह से प्रशासन पूरी यहाँ पे पहुँच चुकी है, दोनों तरफ का रास्ता को खाली कर दिया गया है। अब दोनों तरफ से आना जाने का जो रास्ता है ये अब खुल चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस लड़की को इंसाफ मिलता है या नहीं, आरोपित कौन है यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ और भी इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।